चंबा के भरमौर के लोक गायक भरमौरी ऋषु रिहाल द्वारा गाए गदईली शिव नाटी शिव पूजन का आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनक राज ने विमोचन किया। इस मौके पर गायक रुमेल सिंह भी मौजूद रहे। ये गाना शिव भगवान पर आधारित है और खासकर गद्दी समुदाय में ये गाना नुआला में गाया जाता है। गायक भरमौरी ऋषु का ये 8वां गाना है और सभी गाने लोक संस्कृति पर आधारित हैं। ऋषु रिहाल ने कहा कि गद्दी समुदाय में नवाले का आयोजन होता है और उसमें सुबह के समय जब आरती की जाती है उस समय ये गाना गाया जाता है और जब नुआला संपूर्ण करके भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं उसे इस गाने में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी संस्कृति को भूलती जा रही है, संस्कृति को संजोए रखने के लिए वे गानों के माध्यम से युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। वहीं आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने गायक ऋषु भरमौली सहित सभी कलाकारों को नए गाने को लेकर बधाई दी और उनके द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर में योगदान के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है और लोक गायक ऋषु रिहाल अपनी परंपराओं और संस्कृति को जिंदा रखने और आगे लाने में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय हिमाचल की संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है और शिव नुआला शिव भगवान के लिए समर्पित एक ऐसी ही परंपरा है। बैला ता डेरा वो सिबे मेरे चंबे रे चोगाना ब्यागा दिया बेला वो सिब मेरे वर दी चले हो चंबे रे चंबे आला जो रखे सुख सांत ब्यागा दिया बेला वो शिव मेरे वर दी चले। नमस्कार, आप सभी मीडिया के भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना मान सम्मान दिया और आप लोग कलाकार की जो आवाज उसको जन जन तक पहुंचाने की अपनी कोशिश करते हैं, अपना हमें सहयोग देते हैं। मैं भरमौरी ऋषु रिहाल बेसिकली भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करता हूं और लगभग 4-5 सालों से अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहा हूं। जिस तरह का भजन है, क्या ये जो शिव भजन है इसको आखिरकार हमारे जो गद्दी कम्युनिटी है चंबा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वहां पे एक शिव नुआले का आयोजन होता है। उसी नुआले में इसको सुबह का टाइम जब आरती का टाइम होता है उस टाइम इसको गाया जाता है और इसमें हमने पूरा ये बताने की कोशिश की है कि जैसे उसका गायन होता है जब संपूर्ण करके वो नुआला संपूर्ण करके भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं तो उसी चीजों का इसका इसमें वर्णन किया और वीडियो के साथ इसको दिखाया गया। आज का टाइम ऐसा है, ये चीजें जा रही है। बिल्कुल, आज के टाइम में ये जो विलुप्त हो रही है इसके लिए हम लोग अपनी नए जनरेशन के लिए ये चीजें जो पुराने जो हमारे गाने थे जिसको न्यू जनरेशन जो भूलती जा रही है तो उसी पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भूलने नहीं देंगे, अच्छा म्यूजिक देके उन लोगों तक के कानों तक पहुंचाएंगे और उनको अच्छा लगेगा सुनने में और आगे ये चीजें निरंतर चलती रहेगी। और भी भजन निकालने का? बिल्कुल, अभी हाल ही में थोड़े टाइम के बाद अभी मेरा गद्याली एक और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लेके आ रहा हूँ, उसका भी हम यहीं से रामपुर से उसका म्यूजिक दिया है तो बहुत जल्द गाने आते रहेंगे और हिमाचल की संस्कृति के लिए दिन रात काम करता रहूंगा। जो आज हमारे छोटे भाई ऋषु रिहाल के द्वारा हमारी लोक संस्कृति को आगे ले जाने के जो कार्य में जो आज योगदान शिव पूजन नुआला के रिलीज के माध्यम से जो किया गया है, इस अवसर पर मैं सब आप सब लोगों के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अपनी चीज़ों की महत्व की जो हमेशा कम आंका गया, चाहे वो आप पुराने समय से देख लीजिए कि हमारे जो स्थानीय लोगों के योगदान है उनको बुलाया गया, हमारी स्थानीय संस्कृति, हमारे अपने लोक नृत्य, लोक गायन, जो हमारी लोक परंपराएं हैं उनको हीन भावना से लोगों ने इस तरह का प्रचार प्रसार उस दुष्प्रचार किया गया कि लोगों को अपनी संस्कृति अपने बोली अपने समाज के बारे में बताने में झिझक होने महसूस होने लगी। तो इन सब चीज़ों से बाहर आए लोग और अपनी जड़ें जो हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो उसका हम अपने स्थानीय स्तर पर देश प्रदेश में सब लोग अपनी स्थानीय संस्कृति को पहचाने और युवा पीढ़ी जो है वो इस
संस्कृति को आगे ले जाने के लिए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि ये विकृत भी ना हो और सही रूप में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज उपलब्ध हो। ऐसे नेक कार्य के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि इस तरह की किसी भी पहल के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी कलाकार के साथ तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूँ। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।